हम हरियाणा जीके में करते हैं हरियाणा ज्योग्राफी का पार्ट टू। तो इस पार्ट में मैं आपको वेरियस जो क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी रिलेटेड हरियाणा की, वो क्वेश्चन आपको कवर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है जी, तो हल्का सा एक मैप ड्रॉ कर देता हूँ मैं हरियाणा का, तो उसमें मुझे समझाना थोड़ा इजी रहेगा और आपको भी पता लग जाएगा। ठीक है जी, तो हरियाणा जो है आपको पता है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हरियाणा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा में हिमाचल प्रदेश से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट के नाम। तो क्वेश्चन आएगा आपको कि हिमाचल प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, तो आपको कहना है तीन। तो हिमाचल प्रदेश से हमारे तीन जिले लगते हैं, यानी पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो हमारा उत्तरी जो पूर्वी जिले हैं, उत्तरी पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी जिले आएंगे पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, तीनों जिले जो है हिमाचल प्रदेश से लगते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन अगर ये आता है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो पंजाब से और हिमाचल प्रदेश से लगता है, यानी पंजाब ये आपको पता है नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा आपका पंचकुला। पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगता है हमारा पंचकुला। पंचकुला एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो तीन अलग अलग स्टेट या यूटी से लगता है, यानी पंचकुला जो है चंडीगढ़ से भी लगता है, यानी पंचकुला जो है पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। चंडीगढ़ आपको पता है यूटी का, तो यूटी तीन जगह से लगता है, तो पंचकुला की सीमा जो है सबसे ज्यादा तीन अलग अलग राज्य या यूटी से लगती है, जबकि पंचकुला दो तीन से था, यमुनानगर दो से है। ठीक है जी, तो नॉर्थ ईस्ट में आएंगे हमारे तीन जिले और तीनों जो है हिमाचल से लगते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आएंगे आपको पंजाब से लगने वाले कितने जिले हैं, तो मोटे तौर पर पंजाब से लगने वाले हमारे सात जिले हैं, सेवन डिस्ट्रिक्ट है हमारे। तो सातों डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे पंचकुला, फिर आएगा अंबाला भी है आपको पता है अंबाला, इसके अलावा कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र। ठीक है जी, इसके अलावा कुरुक्षेत्र के बाद आएगा हमारा कैथल, कैथल लगता है, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गया, कैथल के अलावा जींद है, मैं ऐसे बना देता हूं कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, जींद के बाद आएगा फतेहाबाद, फतेहाबाद आता है, फतेहाबाद भी लगेगा, और लास्ट आएगा सिरसा। तो हमारे जो है कितने जिले, एक दो तीन चार पांच छह सात, सेवन डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब से लगते हैं, तो पंजाब से लगने वाले सात डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन आएगा जी पंजाब से सबसे ज्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, पंजाब से लगने वाला सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका सिरसा। अगर ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सीमा पंजाब की किस जिले की लगती है, सिरसा कहना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, सबसे कम, तो आपको कहना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की सीमा सबसे लोएस्ट लगती है पंजाब से, बहुत कम एरिया है जो कुरुक्षेत्र का पंजाब से टच होता है। तो सात जिले थे। अब क्वेश्चन आएगा आपको कि पंजाब से और राजस्थान से, यानी पंजाब और राजस्थान से कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, तो आपको पता लग गया है ये डिस्ट्रिक्ट लगेगा हमारा सिरसा। तो एक क्वेश्चन और बनता है हमारा, सिरसा जो है पंजाब से और राजस्थान से लगने वाला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, तो सिरसा जो है हमारा पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान से सबसे ज्यादा लंबी सीमा भी हमारी नॉर्मली सिरसा की लगती है, क्योंकि काफी एरिया इसका व्यापक है और राजस्थान से काफी टच होता है। इसके अलावा राजस्थान से हमारे कुल सात जिले लगते हैं, मैं मोटे मोटे बना देता हूं, सात जिले लगेंगे हमारे। ठीक है जी, तो पहला सिरसा है, इसके बाद आएगा फतेहाबाद, ये आ गया फतेहाबाद। ठीक है जी, फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद के बाद आएगा हिसार, हिसार के बाद आएगा भिवानी, भिवानी के बाद आएगा हमारा महेंद्रगढ़। ठीक है जी, महेंद्रगढ़ लिख देता हूं, महेंद्रगढ़ के बाद आएगा हमारा रेवाड़ी, रेवाड़ी, रेवाड़ी के बाद आएगा मेवात, मेवात के बाद इधर जो रहता है वो आएगा हमारा पलवल, पलवल इसके साथ नहीं लगता, पलवल से पहले ही हमारा यूपी आ जाता है ऐसे। ठीक है जी, तो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, मेवात हो गया, रेवाड़ी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, भिवानी हो गया, हिसार हो गया, फतेहगढ़ हो, फतेहाबाद हो गया और सिरसा। तो सात डिस्ट्रिक्ट हमारे किससे लगते हैं, राजस्थान से। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान से सबसे लंबी सीमा किस डिस्ट्रिक्ट की लगी, तो वो आएगा सिरसा। ठीक है जी, इसके अलावा सबसे कम सीमा में, सबसे कम सीमा में अगर आता है तो आपको लगाना है फतेहाबाद, सबसे लोएस्ट सीमा जो आएगी फतेहाबाद की आएगी। ठीक है, फतेहाबाद सबसे कम लगता है। इसके बाद क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है कि हरियाणा की सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो आपको कहना है राजस्थान, राजस्थान के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा है, यहां से लंबा एरिया जो है हम राजस्थान के साथ लगते हैं, तो सबसे लॉन्गेस्ट
जो बॉर्डर आएगा हरियाणा का राजस्थान के साथ आएगा, ठीक है जी, और हमारे सात डिस्ट्रिक्ट जो है दक्षिण में आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है दक्षिणी जिले, तो ये हमारे दक्षिणी जिले भी है, दक्षिणी जिले भी हमारे साउथ में ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपको कि यूपी और राजस्थान के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जो दो अलग अलग राज्यों से लगता है। तो यूपी और राजस्थान से लगने वाला है मेवात। मेवात ऐसा जिला है जो यूपी से भी लगता है और राजस्थान से भी लगता है, ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं हम यूपी के साथ। यूपी आपको पता है हरियाणा के पूर्व में है, ईस्टर्न पार्ट में आता है। तो यूपी से हमारे कुल छह जिले लगते हैं, छह जिले यूपी से हमारे कितने लगते हैं, छह। तो सबसे पहले यमुनानगर देख लिया हमने, इसके बाद देखते हैं करनाल, करनाल लगता है हमारा, करनाल के बाद आएगा पानीपत, पानीपत के बाद आएगा सोनीपत, सोनीपत के बाद बीच में दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली के बाद हमारा आएगा फरीदाबाद, और फरीदाबाद के बाद आएगा हमारा पलवल, ठीक है जी। तो एक दो तीन चार पांच छह, यानी हमारे छह जिले यूपी के साथ लगते हैं, यूपी के साथ हमारे पूर्वी जिले छह लगते हैं, जिसमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद और पलवल। दक्षिणी जिले में पलवल आएगा, सबसे दक्षिण में आता है। उत्तरी जिले में हमारा यमुनानगर आएगा, ठीक है जी। तो यूपी के साथ हमारी सबसे लंबी सीमा अगर आ जाती है, सबसे लंबी सीमा में ये नॉर्मली पता नहीं लगता, इसमें बहुत क्लोज सीमाएं हैं, तो इसमें आपको सबसे लंबी सीमा जो है पानीपत की आएगी, क्योंकि मैप के अनुसार पानीपत सबसे ज्यादा दिख रहा है, पानीपत की सबसे लंबी सीमा दिखती है। इसके अलावा सबसे कम अगर सीमा आ जाती है, सबसे कम सीमा अगर आ जाती है, तो वो आएगी आपकी पलवल के साथ, पलवल के साथ सबसे कम सीमा आएगी, नॉर्मली मैप में दिखने में ऐसे आता है। इसके अलावा क्वेश्चन जो आएंगे आपको वो आएंगे दिल्ली के बारे में, कि दिल्ली जो है हरियाणा के किस भाग में है। तो दिल्ली का मैं मोटे बता देता हूं, दिल्ली जो है हमारे दक्षिणी पूर्वी भाग में आती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में है, ठीक है जी। तो दिल्ली यहां है, तो दिल्ली के बारे में देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आता है दिल्ली से लगने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो दिल्ली में सबसे पहले लगता है हमारा सोनीपत, सोनीपत जो है दिल्ली के उत्तर में है। इसके बाद सोनीपत के बाद आता है झज्जर, झज्जर आएगा, सोनीपत के बाद झज्जर है, झज्जर के बाद आएगा हमारा गुरुग्राम यानी गुड़गांव, ठीक है जी, झज्जर गुरुग्राम, और लास्ट आएगा हमारा फरीदाबाद। तो हमारे चार डिस्ट्रिक्ट जो है दिल्ली से लगने वाले चार जिले जो है हमारे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, चार डिस्ट्रिक्ट हमारे दिल्ली के साथ लगते हैं। ये चारों जिले जो है हमारे दिल्ली से उत्तर से लेकर दक्षिण तक कवर करते हैं। पूर्वी भाग में यूपी है और पश्चिमी भाग में ये चार जिले हैं। इन्हीं चार जिलों से मुख्यतः हमारा केएमपी गुजरेगा जी। आपको पता है केएमपी राजमार्ग है कुंडली, मानेसर और पलवल, कुंडली, मानेसर, पलवल राजमार्ग जो है तीनों जिलों, चार जिलों से गुजरेगा। इसके अलावा ये मेवात से भी गुजरेगा, मेवात से भी थोड़ा सा गुजरेगा। तो मुख्यतः केएमपी जो है चार जिलों से बढ़कर मेवात से, पलवल से और कुछ भाग उसका गुरुग्राम में, झज्जर में और सोनीपत में। कुंडली उसका उत्तरी भाग है, मानेसर गुड़गांव में है और पलवल में आपको देखोगे पलवल ही है। तो पलवल से वो राजमार्ग गुरुग्राम जाएगा मानेसर, मानेसर से सीधा वो कुंडली तक जोड़ेगा। ये 135 किलोमीटर का राजमार्ग होगा जो दिल्ली को बाईपास करके जाएगा, और इसको पश्चिमी एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, क्योंकि दिल्ली के पश्चिम में से गुजरेगा ये, दक्षिण से उत्तर के बीच में जाएगा। ये राजमार्ग जो है NH1 को और NH2 को, दोनों को जोड़ेगा, यानी NH1 नॉर्थ में है और NH2 दक्षिण में है, इन दोनों को वो लिंक करेगा, और ये हरियाणा का मुख्य राजमार्ग होगा जो दिल्ली को भी ट्रैफिक से छूट देगा, ठीक है। तो आज हमने ज्योग्राफी में एक दो क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है हरियाणा के बारे में, जो हरियाणा के बीच में है। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमाओं वाला जिला कौन सा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमाएं जो लगती हैं वो लगती हैं जी हमारे जींद की, यानी जींद डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज्यादा सीमाओं वाला है। इसकी लगभग जींद की जो आती है 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से सीमा लगती है, और आठवां है पंजाब, ठीक है जी। जींद की सीमाएं बता देता हूं, जींद की सीमा लगती है फतेहाबाद से, फतेहाबाद के बाद हिसार, हिसार के बाद आएगा भिवानी, भिवानी के बाद आएगा रोहतक, सॉरी भिवानी नहीं आएगा, हिसार के बाद आएगा आपका रोहतक, भिवानी काट देना, भिवानी गलत है, रोहतक आएगा, और रोहतक के बाद आएगा सोनीपत, सोनीपत के बाद आएगा पानीपत, और पानीपत के बाद आएगा कैथल। तो हमारे जो है ये डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, ठीक है जी। तो कुल मुझे लगता है ये छह डिस्ट्रिक्ट होंगे हमारे,
छह डिस्ट्रिक्ट होंगे, सात काट देना, छह हैं, और सातवां जो है पंजाब लग जाएगा। तो जींद की सबसे ज्यादा सीमाएं आती हैं। और क्वेश्चन आ जाए अगर सबसे कम सीमाओं वाला जिला, सबसे कम लोएस्ट बॉर्डर लगता है, तो सबसे कम में पंचकुला आएगा। पंचकुला सिर्फ अंबाला से लगता है, पंचकुला सबसे कम में आएगा, और इधर से आएगा हमारा सिरसा। सिरसा भी फतेहाबाद से लगता है, एकमात्र जिला है। तो सिरसा और पंचकुला सबसे कम है जिनकी एक एक डिस्ट्रिक्ट से सीमा लगती है। तो आज हमने ज्योग्राफी में कुछ कुछ जो क्वेश्चन कॉमन कवर किए हैं, सबसे अधिक सीमाओं वाला, पूर्वी सीमा, दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा आदि के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक हम कवर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।